प्रो कबड्डी सीजन 8 में बंगाल वॉरियर्स की क्या स्क्वाड रहने वाली है, मैं इस वीडियो में आपको इस तरह बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ बंगाल वॉरियर्स की पूरी स्क्वाड जो प्रो कबड्डी सीजन 8 में रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ेदार। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कैप्टन की। यहाँ पे कैप्टन में रहेगा मनिंदर सिंह। दोस्तों मनिंदर सिंह रेडर है। फिर दोस्तों यहाँ पे अगले प्लेयर में नाम आता है के प्रपंजन का। दोस्तों के प्रपंजन भी रेडर है। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्लेयर की, तो अगले प्लेयर में नाम आता है मोहम्मद तागी का। दोस्तों मोहम्मद तागी भी रेडर है। फिर दोस्तों अगले प्लेयर में नाम आता है राकेश नरवाल का। दोस्तों राकेश नरवाल भी रेडर है। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्लेयर की, तो अगले प्लेयर में नाम आता है सुकेश हेगड़े का। दोस्तों सुकेश हेगड़े भी रेडर है। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्लेयर की, तो अगले प्लेयर में नाम आता है नवीन नरवाल का। दोस्तों नवीन नरवाल डिफेंडर है जो राइट कवर के हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्लेयर के, तो अगले प्लेयर में नाम आता है बलदेव सिंह का। दोस्तों बलदेव सिंह डिफेंडर है जो राइट कॉर्नर के हैं। फिर दोस्तों यहां पे अगले प्लेयर में नाम आता है जीवा कुमार का। दोस्तों जीवा कुमार भी डिफेंडर है जो राइट एंड लेफ्ट कवर के हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्लेयर के, तो अगले प्लेयर में नाम आता है विराज विष्णु लांगे का। दोस्तों ये भी डिफेंडर है लेफ्ट कवर के। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्लेयर की, तो अगले प्लेयर में नाम आता है रिंकू नरवाल का। दोस्तों रिंकू नरवाल डिफेंडर है। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्लेयर के, तो अगले प्लेयर में नाम आता है आमिर धुमाल का जो ऑलराउंडर है। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्लेयर के, अगले प्लेयर में नाम आता है इस्माइल नबी बख्श का। दोस्तों इस्माइल नबी बख्श ऑलराउंडर है। फिर दोस्तों बात करते हैं अगले प्लेयर की, तो अगले प्लेयर में नाम आता है मयूर शिवटारकर का। दोस्तों मयूर शिवटारकर भी ऑलराउंडर है। फिर दोस्तों आखिरी प्लेयर में नाम आता है सुनील दुबली का जो भी ऑलराउंडर है। दोस्तों ये मेरे हिसाब से प्रो कबड्डी सीजन 8 में बंगाल वॉरियर्स की स्क्वाड रह सकती है, और इसमें बहुत सारे प्लेयर चेंजेस हुई है और ऑक्शन में और सारे प्लेयर्स को खरीद सकती है, तो स्क्वाड में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि यही स्क्वाड रहने वाली है बंगाल वॉरियर्स की प्रो कबड्डी सीजन 8 में। तो गाइस फिलहाल बस इस वीडियो इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेगी। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।